यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाइपरलेन के ओवरव्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ईयर 1996 में ETSI यानी कि यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्डाइज किया, यानी कि एक स्टैंडर्ड दिया जिसका नाम था हाइपरलेन 1। यह हाइपरलेन 1 जो था एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड था वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि WLAN के लिए, जिसके थ्रू WLAN में अलाउ किया जा सकता था नोड मोबिलिटी को, यानी कि डिवाइस मोबिलिटी को अलाउ किया जा सकता था कि एक डिवाइस को दूसरे जगह से दूसरे जगह मूव कर सके। साथ ही साथ एडॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड टोपोलॉजीज को भी इस्तेमाल किया जा सकता था वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स में। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाइपरलेन होता है इस हाइपरलेन का भी एक मीनिंग है और वो मीनिंग है हाई परफॉर्मेंस लोकल एरिया नेटवर्क। हाइपरलेन 1 जो है सबसे ज़्यादा ओरिजिनल था और यह सबसे पहले आया था। ठीक है, हाइपरलेन 1 के और भी बहुत सारे वर्जन्स बाद में आए, जैसे कि हाइपरलेन 1, 2, 3, 4, ये चार अलग अलग वर्जन्स आए और इनके डिफरेंट पर्पस थे। इन सारे चारों नेटवर्क में, यानी कि हाइपरलेन 1, हाइपरलेन 2, हाइपरलेन 3 और हाइपरलेन 4, इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर था वो ये था कि टाइम सेंसिटिव डेटा ट्रांसफ़र सर्विसेज का इंटीग्रेशन मौजूद था इन सारे चारों नेटवर्क्स में। जैसे जैसे समय बदलता गया इनके नाम्स बदलते गए और बाद में हाइपरलेन 2, 3 और 4 को, हाइपरलेन 2, 3 और 4 इन्हें क्या कर दिया गया, इन्हें आपस में मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके इन्हें कुछ नए नाम दिए गए। जैसे कि इन्हें जो नया नाम दिया गया उनमें से एक नाम था हाइपरलेन 2। ठीक है, हाइपरलेन 2। इसके अलावा इन्हें कुछ और नाम से भी पुकारा गया, जैसे कि हाइपर एक्सेस, इसके अलावा हाइपर लिंक। आज के समय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस है हाइपरलेन से रिलेटेड, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस है हाइपरलेन 2 पे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोकस है। अब यह जो हाइपरलेन 2 है ये एक तरीके का ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं और ये एलिमेंट्स लिए गए हैं ETSI के ब्रैन से। ठीक है, यहाँ पर ब्रैन का मतलब होता है ब्रॉडबैंड रेडियो एक्सेस नेटवर्क एंड। ठीक है, यहाँ पर जो हाइपरलेन 2 के जो स्टैंडर्ड हैं इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो लिए गए हैं ब्रैन से, यानी कि ब्रॉडबैंड रेडियो एक्सेस नेटवर्क से, और वायरलेस ATM एक्टिविटीज से इन्हें लिया गया है। ना ही वायरलेस ATM और ना ही हाइपरलेन 1, ये दोनों एक कमर्शियल सक्सेस नहीं रहे हैं। इसीलिए जब भी एक हुआ क्वालिटी ऑफ सर्विस देने के लिए वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क में तो वहाँ पर एज ए स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो किया गया हाइपरलेन 2 को।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।